इसराइली हमलों में मस्जिद, अस्पताल, गिरजाघर, रिहायशी आबादी को निशाना बनाए जाने के बावजूद अमरीका ने इसराइली कार्रवाइयों को हक़े दिफा करार दे दिया, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइलियों की हिफाजत के लिए इसराइल को दरकार तमाम जरूरियात को पूरा करने को यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि अमन से जीने की ख्वाहिश रखने वाले मासूम फलस्तीनियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसी वजह से गजा के फलस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी का मुआहदा किया। दूसरी जानब अमरीका ने हफ्ते के रोज अक्वामी मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एक करारदाद का मुसव्वदा पेश किया, जिसमें कहा गया है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है और ईरान से मुतालबा किया गया है कि वो दहशतगर्द ग्रोहों को हथियारों की बरामद बंद करे जो पूरे खत्ते में अमन व सलामती के लिए खतरा है। मुसव्वदे के मतन में शहरियों के तहफ्फुज़ का मुतालबा किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।